फरुखाबाद जिला उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट की एक बैठक रेलवे रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में जिलाध्यक्ष सदानंद शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष सदानंद शुक्ला ने बताया कि मीरा सिंह को जिला अध्यक्ष, विशाल छावड़ा, महेंद्र दुबे, आशु मिश्रा को मंत्री बनाया गया, वहीं सचिन गुप्ता को प्रचार मंत्री और निशांत तिवारी को सह मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। जहां बता दें कि अध्यक्ष सदानंद शुक्ला ने बताया है कि संगठन मोर्चा नई से लेकर बड़े दुकानदारों को संगठन से जोड़कर उनके साथ हर समस्या हेतु कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। स्लोगन है, मोची नाई या हलवाई, आपस में सब भाई भाई, छोटे से छोटा व्यापारी और बड़े से बड़ा व्यापारी, हमारी दृष्टि में एक। जो व्यापार मंडल के ये जो ये पट्टी दुकानदार हैं, उन्होंने अगर हमसे अनुरोध किया है कि व्यापार मंडल में वो हम उनको शामिल करें, हमारी तरफ से स्पष्ट घोषणा है, बिना किसी शुल्क लिए उन समस्त व्यापारी, छोटे व्यापारियों को मैं अपने व्यापार मंडल में शामिल करता हूँ। जो भी व्यापारी, छोटा व्यापारी हमसे जुड़ना चाहे, बिना शुल्क, बिना रसीद, और अगर कोई उन व्यापारियों की रसीद काटता है तो उसकी सूचना हमें दें, उनका उत्पीड़न किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाए। एक दूसरी बात और है, जो दुकानदार नेहरू रोड पर व्यापारी अपने दुकान के सामने पैसे लेकर दुकानें लगवाते हैं फुटपाथी पर, और जो बाइकें खड़ी करी जाती हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? भाई, अगर कोई व्यापारी या दुकानदार अपनी दुकान के आगे दुकान लगवाता है, वो बिल्कुल अवैध है, उसे किसी भी कीमत पे वहाँ आगे दुकान नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन अगर मोटरसाइकिल है, अरे भाई, आदमी गहक आएगा, आजकल पैदल चल नहीं सकता है, इतनी सवारियाँ हैं नहीं, वो अपना सामान लेने के लिए मोटरसाइकिल से दुकानदार के यहाँ आएगा, दुकानदार उसकी अपनी दुकान के आगे व्यवस्था करे, प्रशासन को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। भाई, हमारा गहक है, वो ऐसा तो नहीं है कि लाल दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी करके आए और फिर वो चौक सामान लेने आए। तो प्रशासन जब्ती या जुर्माना की कार्रवाई करता है, उसमें क्या करेगा? अगर मोटरसाइकिल के लिए जो फुटपाथी, जो सब्जी मंडी चल रही है शहर में, बेबी दुकानदार भी आप उनका भी सहयोग करेंगे इस तरीके? बिल्कुल करेंगे। हाँ, जाकर हमने आपसे क्या कहा, छोटे से छोटा दुकानदार, बढ़िया, उनका सबका। अब इन गरीब आदमियों को अगर हम हटा ही देंगे तो उनकी रोजी रोटी कहाँ चलेगी? अच्छा, शहर में यातायात की व्यवस्था को देखते हुए क्या आप मांग करेंगे कि ये वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की जाए? किसी समय पहले चलती नहीं, अगर अब जैसे रेलवे रोड का चौड़ीकरण, रेलवे रोड नहीं, नेहरू रोड नहीं, नहीं, जैसे अभी 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 जो हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें बीच में पिलर लाए जाए और डिवाइडर डाल दिया जाए, इससे कभी भी अधिकार की समस्या नहीं हो, फुटपाथ की समस्या का समाधान इससे बड़ा कोई डिवाइडर सही शासन ये नहीं करेगा, तब तक शासन इसको बनने कभी नहीं करेगा। और अब तो लाइट व्यवस्था कर दी है, अगर आप डिवाइडर बनवे नहीं कर डिवाइडर नहीं डालेंगे तो व्यवस्था इतनी बिगड़ जाएगी। नहीं, सही है, जो ट्रांसफार्मर भी बहुत बड़ी समस्या है, बाकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, सोलर की सीट लाइट लगाई है, लेकिन सोलर की व्यवस्था हर नीले सोलर लगा दिए और एक परसेंट जल्द परसेंट जो कमीशन वाली होती भी नहीं जलती है, जो बिना कमीशन वाली होती भी बहुत बढ़िया काम नहीं, नगर पालिका को जिम्मेदारी ना देकर शासन ने उत्तर में लगाया तो शायद अच्छा लग जाए।